लेखक बताते हैं कि अचरज की बात यह थी कि मेरे पिताजी रात को कितनी भी देर से सोए वे हमेशा सुबह 3 बजे ही उठते थे और उनका मानना था नींद लंबाई नहीं गहराई मांगती है, यानी कुछ घंटों की गहरी नींद ज्यादा घंटों की लंबी नींद से हल्की नींद से भी काम पूरा करती है। और उनके इसी फार्मूले के कारण मैंने अपने कई रातों की नींद गवाई है। मैं एक असंभव सी कल्पना करता हूं कि जब मैं मरूं तो मुझे 7-8 दिनों तक ऐसे ही पड़ा रखा जाए, ऐसी असंभव सी कल्पना लेखक करते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि जिंदगी की कई रातों की जो नींद मैंने खोई है पिताजी के इस फॉर्मूले के कारण, उसे मैं पूरा करना चाहता हूं। पिताजी ने जो समय की पाबंदी की उत्कटता अपनाई थी, उसे निभाने के लिए घर वालों के सहयोग की आवश्यकता थी, और इसीलिए नौकरी के पहले वर्ष में टाइम ऑफ सेंस वक्त का अंदाज देने के लिए मेरे पिताजी ने एक घड़ी खरीदी और नई नई थी, विक्टोरियन युग की थी और पायनियर के दफ्तर में वह कई सालों से काम कर रही थी, लेकिन कुछ महीनों से कंटम माल की तरह उसे भंगार में फेंक दिया। पिताजी ने शायद 2 रुपए में उसे वहां से खरीदा, पर वो घड़ी इतनी बेहया निकली, इतनी बेशरम निकली कि थोड़ी सी साफ सफाई करने के बाद वह चलने लगी, और चलने लगी तो चलती ही गई। 7 दिनों के बाद उसमें चाबी देनी पड़ती थी और उसकी खासियत यह थी कि वह उसमें अलार्म भी बजता था। और पिताजी ने लाकर दालान में तिकोनिया पर रख दिया और मैंने कभी उसे घड़ी साज के यहां पर जाते हुए कभी नहीं देखा। घड़ी साज यानी घड़ी की मरम्मत करने वाला, उसके यहां पर वह घड़ी मैंने कभी जाते नहीं देखा। कभी तिकोनिया बिना घड़ी के मैंने कभी उसकी कल्पना ही नहीं की, कभी मैंने उसको महसूस नहीं किया। और लेखक बताते हैं कि वो घड़ी जो चालू हुई चलती गई चलती गई चलती गई जब तक मेरे पिताजी जीवित थे। अब मेरे पिताजी को उनकी मृत्यु को 30 साल हो चुके, लेकिन अभी भी वह घड़ी चल रही है, मेरे पास नहीं है। मेरे बड़े बहन का जो लड़का था रामचंद्र, अपने नाना की निशानी के रूप में वह घड़ी अपने पास ले गया है। जब भी मैं उस रामचंद्र के घर जाता हूं तो बार बार मेरी नजर उस घड़ी की तरफ जाती है। मेरे पिताजी की जो निशानी थी उस घड़ी की तरफ मेरी नजर जाती है, क्योंकि यह जो घड़ी थी इसने मेरे परिवार के कई सुख दुख क्रोध रोदन महोत्सव कई चीजों की यह घड़ी साक्षी रही है।